जैसे ही बकरी कंध को उखाड़ कर 2 से 4 कदम चलती है, वैसे ही उस कंध के नीचे से एक भारी भरकम सांप निकलता है। कहते हैं कि उस सर्प ने गुस्से में उस बकरी को इतने फन मारे। आयुर्वेद की 64 दिव्य वनौषधियाँ, हमें ये काफ़ी जगह सुनने को मिलता है कि फलानी औषधि या वो औषधि 64 दिव्य वनौषधियों में गिनी जाती है। काफ़ी लोगों का मत है कि उनके दिव्य गुणों की वजह से उन्हें 64 दिव्य वनौषधियों में गिना जाता है, अर्थात 64 ही ऐसी औषधि है जिनके दिव्य गुण है। इसके विपरीत रसायन पर जो कार्य करते हैं रसायन शास्त्री है, उनका मानना है कि जो औषधि रसायन में कार्य करती है उच्च श्रेणी तक, अर्थात तांबे को सोने में परिवर्तित कर देती है या पारे को बांधने के कार्य में काम आती है, उसे ही दिव्य वनौषधियों में गिना जाता है, और ऐसी सिर्फ 64 दिव्य वनौषधियाँ हैं। इसके बारे में कम ही लोगों को पता है कि कौन कौन सी वो 64 दिव्य वनौषधियाँ हैं जो 64 दिव्य वनौषधियों में गिनी जाती है। अगर आप कमेंट करते हैं तो उनके बारे में जानकारी देना जरूर चाहूँगा। यहाँ पर एक औषधि है तेलियाकंद, जो कि शीर्ष पर आती है 64 दिव्य वनौषधियों में। अगर आप गिनती करते हो तो ये शीर्ष पर आती है सोमवल्ली के बाद। सोमवल्ली पहले स्थान पर आती है, काफ़ी जगह लिखा हुआ है, उसके बाद में तेलियाकंद। तेलियाकंद इसलिए शीर्ष पर आती है क्योंकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ फैली हुई है कि इसके कंद का रस अगर आप गर्म किए हुए तांबे पर डालते हैं, जो कि लाल सुर्ख हो जाता है गर्म करने पर, उस तांबे पर अगर उसका रस डालते हैं तो तांबा तुरंत सोने में परिवर्तित हो जाता है। इसके बारे में अगर आप खोजने जाओगे तो किसी भी प्रमाणिक ग्रंथ में आपको इसकी जानकारी नहीं मिलेगी। बस एक ग्रंथ है राजनिघंटु, उसके अंदर इसके बारे में कुछ बातें लिखी हुई है। जैसे इसके पत्ते कनेर की तरह पतले लंबे और चिकने होते हैं और उस पर काले तिल के समान धब्बे होते हैं। इसी के साथ उसका जो कंद होता है वो काफ़ी बड़ा होता है और उसके आसपास की जो मिट्टी होती है वो तेलीय होती है, अर्थात ऐसा लगता है जैसे वहाँ पर किसी ने तेल डाला हुआ हो। तो ये इसकी जानकारी उसमें मिलती है। इसके अलावा किसी को नहीं पता है इसके बारे में, प्रमाणिक या सबूत के आधार पर कोई भी वीडियो यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ तक कि किसी को नहीं पता है कि असल में वह होता कैसा है। किसी को पता भी है तो वो दूसरे को इस बारे में जानकारी नहीं देता है। तो इसके बारे में मुझे भी नहीं पता है। तो एक जानकारी हाथ लगी है, एक छोटी सी जानकारी एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। ऐसा है, एक बार एक शिष्य होता है जो अपने गुरु के साथ विचरण करता है उत्तराखंड की पहाड़ियों में। ये उत्तराखंड पे वहाँ पे कोई मंदिर वगैरह होगा जहाँ पर पहाड़ से झरना वगैरह निकल रहा था। वहाँ पर वो दोनों जाते हैं और झरने के साइड में एक स्थान होता है, वहाँ पर उस शिष्य का जो गुरु होता है जो आयुर्वेद और रसायन के बारे में अच्छी खासी जानकारी रखता है, उसको वहाँ पर एक पेड़ दिखाई देता है और वो वहीं पे थम जाता है, स्थिर हो जाता है और अपने शिष्य को बोलता है कि जिस काम के लिए हम खोज कर रहे थे आज वह पूरा हो गया है। वो तुरंत अपने शिष्य को बोलता है कि ये लो 10 रुपए, और पड़ोस के गांव पहाड़ी पर थे वो, नीचे गांव था जैसे, तो उसने बोला कि शिष्य वहाँ पर जाओ और बकरी और एक कुदाली ले आना, कुदाली अर्थात फावली जो खोदने के कार्य में काम आ जाए। तो उस समय में 10 रुपए में ये दोनों चीज़ें आ जाती थी, तो इसका मतलब ये है कि वो जो समय था वो काफ़ी पुराना था, बहुत पुरानी बात है ये, तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो वह जो शिष्य था वो गांव में गया और एक बकरी लेकर के आया और एक कुदाली लेकर के आ गया। उन शिष्य और गुरु ने उस पेड़ के जो पौधा था उसके चारों तरफ मिट्टी का गहरा खड्डा खोद दिया, चारों तरफ तकरीबन उन्होंने घुटने के समान गहरा गड्ढा खोद दिया था। फिर जब उसका कंद जो था वो दिखने लग गया था, तब उन्होंने क्या किया, खुदाई रोक दी और बकरी को जिस रस्सी से बंधी हुई थी उस रस्सी को उस कंद के जड़ का जो भाग जमीन से निकला हुआ था वहाँ पर बांध दिया।
और उसके बाद क्या हुआ कि शिष्य और गुरु दोनों दूर जा कर के ऐसे पेड़ पर चढ़कर बैठ जाते हैं जहाँ से वो पूरा वाक्य देख सकते हैं। धीरे धीरे जब वो वहाँ से चले गए, बकरी को लगा कि वो दोनों चले गए, तो बकरी वहाँ से जाने के लिए झटपटाने लगी और उस कंद के जो पौधा था उसके चारों तरफ घूमती है और कंद जो था वो धीरे धीरे टहलता टहलता उखड़ जाता है। जैसे ही बकरी कंद को उखाड़ कर 2 से 4 कदम चलती है, वैसे ही उस कंद के नीचे से एक भारी भरकम सांप निकलता है। कहते हैं कि उस सर्प ने गुस्से में उस बकरी को इतने फन मारे और तब तक मारता रहा जब तक उस बकरी ने प्राण ना त्याग दिए हो और उसने लास्ट में खुद भी वहाँ पर प्राण त्याग दिए। इसके बाद वो गुरु और शिष्य पेड़ से उतरे हैं और उन्होंने उस कंद को साफ करके अपना जो थैला था उसके अंदर रख के अपने साथ ले गए। तो बड़ी ही रोचक कहानी लगी तो सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। अगर आप तेलिया कंद के बारे में कोई भी जानकारी रखते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये कहानी आपको कैसी लगी ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी और आप वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। इसी प्रकार की जानकारी मेरे चैनल पर आती रहती है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।